भागदौड़ भरी जिंदगी में ये जान लेना भी जरूरी है कि आपके आसपास, आपके शहर और देश दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की उन पांच बड़ी खबरों की जिन पर नजर रहेगी। खबर नंबर एक, नीट यूजी पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीबीआई के हलफनामे पर विचार करेगी। आज होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि भारत सरकार उन छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है जिन्होंने नीट परीक्षा 2024 दी है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सरकार समाधान को खोजने के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही शीर्ष अदालत से ये भी अपील की गई है कि परीक्षा में बैठे 23 लाख छात्रों पर सिर्फ और सिर्फ आशंकाओं के चलते एक नई परीक्षा का बोझ ना डाला जाए। इधर एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और दावे के साथ कहा है कि पेपर लीक के बाद जो पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया था उनकी रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है, यानी कि कोई पेपर लीक नहीं सामने आया है, ऑल इज वेल है। खबर नंबर दो, आज भारत की मेजबानी में बिम्स्टेक देशों यानी बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के लिए एकजुट हुए देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में खासतौर से तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होनी है। पहला बिम्स्टेक विदेश मंत्री सम्मेलन पिछले साल जुलाई महीने में थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। आपको बता दें कि बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का एक समूह है जिसमें भारत तो है ही, साथ ही इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान भी शामिल हैं। अगला यानी छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इसी साल थाईलैंड में होने वाला है। खबर नंबर तीन, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का गठबंधन फिर से होने जा रहा है। जी हाँ, ये तीसरी बार है जब ये दोनों दल गठबंधन कर रहे हैं। इस गठबंधन को लेकर आज चंडीगढ़ में औपचारिक घोषणा होगी। आपको बता दें कि साल 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। तब इनेलो ने 7 सीटों पर और बसपा ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद दूसरी बार साल 2018 में बसपा और इनेलो के बीच राजनीतिक गठजोड़ हुआ, हालांकि दूसरी बार का ये गठबंधन विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच सका और चुनाव से एन पहले दोनों दलों के बीच दूरियां हो गई, खटास आ गई। वैसे माना यह जा रहा है कि इनेलो और बसपा के गठबंधन से इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लग सकता है, जबकि बीजेपी के लिए ये गठबंधन अच्छा साबित हो सकता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती और इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला की हाल ही में लखनऊ में मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद दोनों दलों के बीच एक बार फिर से मिलकर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। खबर नंबर चार, राजस्थान में भजन लाल सरकार का बजट पेश हो चुका है और इस बजट पेश होने के बाद आज विधानसभा की कार्यवाही ही फिर से नियमित रूप से शुरू होने जा रही है। कार्यवाही आज सुबह ठीक 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल के शुरुआती एक घंटे में जनहित से जुड़े बड़े सवालों का जवाब सरकार के संबंधित महकमे के मंत्रियों को देना है। इसके बाद बजट अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य एक एक करके बजट पर अपने विचार रखेंगे। हर बार की तरह इस बार भी विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतरेगा, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर हर बार की तरह सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। खबर नंबर पांच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया और ऑस्ट्रिया की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, बातचीत की और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी आज नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद करेंगे।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी और अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव लेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में पेश करेंगी। तो चलिए, ये रही टॉप 5 बड़ी खबरें जिस पर आज सभी की नजरें बनी रहेगी। फिलहाल की इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ। नमस्कार।